Be ready, Raji. Yo tout le monde, c'est Louis. Aujourd'hui, on se retrouve sur Raji, an ancient epic. Sur ce, bon visionnage. सफेद मोर, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये कैसे प्राणी इसका पीछा कर रहे हैं? लेकिन देखिए, सैनिक रंगदा के जादू के वश में हैं। द्वार पर एक मानव है। आओ छोटी मक्खी, फंसो मेरे जाल में। सुंदर नदियों का नगर, लेकिन अब इन नदियों में विष घुल गया है। यहाँ बहुत सारे कमल के फूल खिला करते थे। उन्हें देखकर मुझे हमेशा Thank you.
विष्णु का मंदिर है। ये हिरण्य नगरी होगी। मैंने इस जगह की बहुत कहानियाँ सुनी है। उसने आपकी प्रतिष्ठा के लिए बनाए गए नगर को पहचान लिया। क्या आप खुश नहीं हैं, भगवान विष्णु? ये मेरा नगर था जो बेशक मेरे मंदिर के लिए बनाया गया था, लेकिन अब ये मेरा नहीं है। अब यहाँ बुरी शक्ति आवास करती है। नंदा के असुर मेरे नगर में। उसकी परछाई लंबी है। तुम्हें हराना होगा राजी। वो आपको सुन नहीं सकती, लेकिन वो कर लेगी। देखो उन्होंने मेरे नाम पर क्या बनाया, एक सुंदर समृद्ध चमत्कारों से भरा हुआ नगर। इतनी सुंदर नक्काशियां और जटिल तंत्र, ये पानी से चलने वाले चक्के, इन चक्कों से दूसरे चक्के घूमेंगे जिनसे द्वार खुलेंगे और वजन उठेंगे। जलासुर, जल के असुर, गंगा के तलपुजों वाले सेवक है। संभल कर, संभल कर राजू, इसकी दृष्टि से बचो। चिल्ला रहा है, क्या उसे चोट लगी है? याद है देवी दुर्गा मेरे मंदिर में क्या है? बिल्कुल, ये उसे दूसरा अवसर देगा, लेकिन ये रास्ता बंद है। देखिए रक्षक नदियाँ उफान पर हैं। उन्हें शांत करने के तरीके भी हैं। उसे कल पुरजो के बारे में क्या पता होगा? ये लड़की बहुत होशियार है, वो रास्ता ढूंढ लेगी।
हिरण्य के महारथी हिरण्य रक्षक, वे परेशान हैं, कुछ तो गलत हुआ है। रंगदा ने मछलियाँ भी भ्रष्ट कर दी है। ये सही हो सकता है भगवान विष्णु, हम इसलिए ही यहाँ हैं। उसे ये साफ करना ही होगा दुर्गा, उसे ये सब साफ करना होगा। वो करेगी, फिर शायद पेड़ उसे भविष्य की एक और झलक देखने देगा। गोलू से क्या चाहिए? उसे निर्देश देने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए? राजी वो नहीं जानती थी जो मैं जानती थी, और ये है हमारी सबसे बड़ी मुश्किल। अगर सोचा जाए तो लड़ाई धार्मिक जगहों पर भी होती है। अगर सही वजह के लिए हो तो युद्ध भी धर्म ही है।
क्या यही तुम्हारी ताकत थी? ये छोटी मक्खी तो डंक भी मारती है। ये कौन घुसपैठिया है? इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे गुस्सा दिलाने की? We'll be right back.
नदियां बह गई। ये काफी नहीं है, और भी कुछ करना होगा। दूसरा चक्रदंत ढूंढना होगा। उसे जल्दी करना होगा। राजी के तैयार होने से पहले रंगदा को पता नहीं लगना चाहिए। हमारे माता पिता क्यों नहीं हैं? मेरे प्यारे भाई, वे वहाँ हैं, तारों के बीच।
Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes et activez la cloche de notification. Ciao tout le monde!